आप लोग कौन हैं? हमारा नाम मुखिया अमरनाथ सिंह है। हम चाहते हैं कि बादशाह मिर्जा हाकिम और हमारे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बीच में जो आखिरी इम्तिहान होने जा रहा है, उस आखिरी इम्तिहान का फैसला अवाम तय करे। हमने फैसला किया है कि आवाम को उसका ये बुनियादी हक जरूर दिया जाएगा। क्या किया आपने बड़ी बेगम साहिबा? आखिर क्या जरूरत थी उन लोगों की बात मानने की? ये आवाम की आवाज है नासिर, अगर इसे नजरअंदाज कर देते तो हम मुसीबत में फंस जाते। पहले जीतना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस सारे खेल का पर्दाफाश करना। पहली कुछ इस प्रकार है, पहेली वाकई दिलचस्प है और मुश्किल भी। कौन आएगा सबसे पहले इस पहेली का जवाब देने के लिए? इस पहेली का जवाब हम देंगे और अभी देंगे। तुम मेरी जगह लेना चाहती हो ना? राजनेता की बनने का ख्वाब देख रही हो ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और तुम होती कौन हो मुझे सब कहने वाली? अनारकली, मुगल दरबार की राज नर्तकी। अरे तुम्हारी जैसी बहुत आई और बहुत गई, लेकिन अनारकली इस महल की रौनक कल भी थी और हमेशा रहेगी। यही है ना आपके पहले का जवाब? निसंदेह राजा बीरबल, यही जवाब है। हम जीत गए। जाबले गजब हो गया। अरे हमें पता है गजब हो गया, हम जीत गए, गजब हो गया। जाबले वो अनारकली। अनारकली को क्या हुआ? वो अनारकली की किसी ने हत्या कर दी। अनारकली, किसने किया होगा ये? जहां पर हम जानते हैं कि अनारकली का कत्ल किसने किया है। क्या आप जानते हैं? जी जानते हैं तो बताइए। बताइए बीरबल, किसकी हरकत है ये? अनारकली का कत्ल मयूरी ने। नहीं नहीं, ये झूठ है। हमने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा मयूरी। चीखने चिल्लाने से सच्चाई बदल दी जाएगी। रुक जाइए बीरबल, ये तो बताइए कि मयूरी अनारकली का कत्ल करेगी क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने जावना। क्या सबूत है आपके पास बीरबल जी के मयूरी ने खून किया अनारकली का? है कोई सबूत, कोई गवाह? आसिर जी, पुरानी आदत है हमारी, बिना सबूत के इल्जाम ही नहीं लगाते। जावना, सबूत ये है कि अनारकली और मयूरी का कल झगड़ा हुआ था और इस बात के गवाह हम खुद हैं क्योंकि हम वहां मौजूद थे। बताइए मयूरी, क्या आपका और अनारकली का झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ हाँ हुआ था, पर कुछ नहीं हुआ था ना। आपने अनारकली को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं? दी थी। आपने अपनी बैसाखी से अनारकली पर हमला किया था और एंड वक्त पर अगर हम वहां नहीं होते तो आप इनकी जान ले लेती या नहीं? मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मैंने मारने की बात नहीं कही थी। सिर्फ धमकी दी थी। साहब, सिर्फ धमकी दी थी। अरे जी, अगर आपने ये कत्ल नहीं किया, अगर आपने अनारकली को मारने की सिर्फ धमकी दी थी तो फिर आपके काम का झुमका अनारकली के हाथ में कैसे? क्या इसके बाद हमें कुछ और साबित करने की जरूरत है? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया। बस
इस हादसे की बाकी सुनवाई दरबार में होगी। बेगम साहिबा, सारे तर्क वितर्क, सारे सबूत यही कह रहे हैं कि अनारकली का कत्ल मयूरी ने किया, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। न्याय करें बेगम साहब, न्याय करें। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं बड़ी बेगम साहिबा, हम भी यही चाहते हैं कि आप न्याय करें। बड़ी बेगम साहिबा, न्याय तो तब होगा जब आरोपी को भी उसका पक्ष पेश करने का मौका दिया जाए। और चूंकि इल्जाम लगने की वजह से मयूरी इतनी डरी और सहमी हुई है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मयूरी की ओर से हमें उसका पक्ष पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। निर्मल जी, आपकी ये मांग है दरबार में कि मयूरी को सजा दी जाए, उसे दंड दिया जाए, और हम ये कहते हैं बड़ी बेगम साहिबा के सजा और दंड सिर्फ मुजरिम को दिया जा सकता है, आरोपी को नहीं। जापना, फिलहाल मयूरी सिर्फ एक आरोपी है, उसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। बिरबल जी कृपया आप पहले जुर्म साबित कीजिए, तत्पश्चात वो मुजरिम कहलाएगी और तत्पश्चात ही आप कृपया दंड और सजा की मांग करें। के जुर्म के गवाह खुद हम हैं। सिर्फ गवाह आप हैं। चश्मदीद गवाह आप नहीं हैं। क्या आपने मयूरी को अनारकली का खून कत्ल करते हुए देखा? हमें सबूत मिला है नासिर जी, ये झुमका, झुमका अनारकली की मुट्ठी में था। मौका वारदात से हमें झुमका मिला है और मयूरी ने खुद कहा है कि झुमका उसी का है। आपके कहने के मुताबिक मयूरी का झुमका अनारकली के हाथों में था, इसका मतलब कि मयूरी ने अनारकली का खून किया, तो इसका मतलब ये भी होता है बड़ी बेगम साहिबा जापना के खून के पहले अनारकली और मयूरी दोनों के बीच में झड़प हुई होगी, हाथापाई हुई होगी। सामान्य ज्ञान की बात है ये। और क्या बड़ी बेगम साहब, आप देखिए एक टांग पे खड़ी होने वाली लड़की, क्या इतनी ताकत होगी उसमें कि वो अनारकली जैसी लड़की के साथ झड़प कर सके, हाथापाई कर सके, उसके बाद उसको हरा के उसका खून कर सके? इतनी ताकत है? सामान्य ज्ञान की बात करते हैं नासिर जी, और खुद सामान्य ज्ञान नहीं लगाते। एक लड़की जिसकी सिर्फ एक टांग है, भरे दरबार में सबके सामने नृत्य कर सकती है, अपनी कला का प्रदर्शन कर सकती है, नाच सकती है, तो कत्ल क्यों नहीं कर सकती? अरे वो नाच सकती है लेकिन कत्ल नहीं कर सकती है। हम कह रहे हैं, हम गवाह हैं, हमें पता है वो कभी कैसा काम नहीं कर सकती है। आप ये कैसे कह सकते हैं? और आपके कहने से होता क्या है? हमारे कहने से ही होता है क्योंकि हम जानते हैं इसे। आप कैसे जानते हैं? हम इसलिए जानते हैं। आपको तो मयूरी को मिले एक दिन नहीं हुआ, तो आप कैसे जानते हैं इसे? आप कैसे दावा कर सकते हैं कि सिर्फ एक दिन से जानते हैं? हम बचपन से जानते हैं उसे, क्योंकि वो हमारी बहन है। झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? इसे मचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आपका नाम नासिर, इनका नाम मयूरी, आप इनके भाई कैसे? झूठ नहीं बोल रहे हैं हम बिरबल जी, इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारा नाम नासिर नहीं, जिज्ञासी है। ये सच बोल रहे हैं, इनका नाम नासिर नहीं जिज्ञासी है। इसका मतलब ये काबुल से नहीं, तो कहां से हैं आप? हिंदुस्तान से। आप अपने आप को काबुल का क्यों बताते हैं मिर्जा भाईजान? क्या आप इस बात से वाकिफ थे? कोई बिरादर अकबर हमको बिल्कुल मालूम नहीं होती। कैसे बादशाह हैं आप? आपके वजीर नासिर उर्दू में बात करते करते अवधी भाषा में बोलने लगते हैं। उपयोग प्रायश्चित
निष्पक्ष जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इनके इन शब्दों से हम पहले ही समझ गए थे कि ये काबुल से नहीं है। आपको पता नहीं चला? वो ये कमी ना हमको बताती नहीं। हो सकता है हमने इस पर भरोसा रखा, ये औदा दिया और इसने हमसे झूठ कहा। हमें भी आज समझ में आ गया कि ये भरोसे लायक नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेगम साहब। कभी कभी हम आंख बंद करके जिस पर भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देता है। आंखें खुली कहां बिरबल मियां? दरबार की आंखों पर अब भी काली पट्टी है। बेहड़ी बेगम साहिबा, फिलहाल यहां पे मुद्दा हमारे अस्तित्व का नहीं, हमारे नाम का नहीं, हमारी पहचान का नहीं, एक लड़की की निर्दोषता का है। अब हिंदुस्तान के बादशाह हमारे चापर अकबर ये फैसला करेंगे कि जिज्ञासी की बहन मयूरी को क्या सजा दी जाए। आप दोनों की दलीलें मद्देनजर रखते हुए हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर मयूरी को राज नर्तकी अनारकली का कातिल मानते हुए सजाए मौत करार देते हैं। आपको जापना को ये बताना होगा कि चूचक बेगम और मिर्जा जी यहाँ क्यों आए और उनके कहने पर आपने क्या क्या किया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर हम आपकी बहन को निर्दोष साबित कर देंगे। आपका दर्द समझ सकते हैं शहजादे। अनारकली हमारी रियासत की, हमारी महल की शान थी। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें ताश तो मिला लेकिन हमने अनारकली को खो दिया। जापना, कल आपका राज्याभिषेक होना, उसके लिए हमें काफी तैयारियां करनी होगी। राज्याभिषेक हम ऐसा मनाएंगे। बहुत ही साधारण होगा हमारा राज्याभिषेक। हमें कोई चमक धमक नहीं चाहिए बलदेव। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमारी अम्मी जान के हाथों से बनाया गया ताज हम पहन पाएंगे। अनारकली की मौत ने हमारा सारा उत्साह खत्म कर दिया है और वैसे भी ये ताज हम जीत कर नहीं बचा कर लाए। अगर बीरबल नहीं होते तो ये बीरबल कहाँ है? आ गया। 100 सुनार की 1 लोहार की। हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। आपको ये भी पता होगा कि हमारी बहन निर्दोष है। हमें भी पता है कि हमारी बहन निर्दोष है। आपको ये भी पता है कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और हम आपको ये भी पता करवा दें कि हमारी बहन को निर्दोष साबित करने में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुनाहों की सजा हमारी निर्दोष बहन को मिले ये हमें गवारा नहीं। ठीक, हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप सबके सामने चूचक बेगम और मिर्जा जी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना होगा। आपको जापना को ये बताना होगा चूचक बेगम और मिर्जा जी यहाँ क्यों आए और उनके कहने पर आपने क्या क्या किया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर हम आपकी बहन को निर्दोष साबित कर देंगे। पर कैसे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। देखिए नासिर, जिज्ञासी, अब तक तो आप ही समझ गए होंगे कि इस महल में सिर्फ और सिर्फ हम आपके दोस्त हैं। चूचक बेगम और मिर्जा जी तो सिर्फ मतलब के साथी हैं। समझ गया हूं मैं।
उनका असली मकसद और मतलब दोनों। इतना साथ दिया हमने उनका, लेकिन सही वक्त आने पर उन्होंने हमारा ही साथ छोड़ दिया। पर्दाफाश करूंगा उनका मैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ये हमारा वादा है। हम भी आपसे एक वादा करते हैं, हम आपकी बहन को निर्दोष साबित कर देंगे। हम अपना वादा निभाएंगे और आप अपना वादा निभाएंगे। आइए छोटी अम्मी, आप तशरीफ रखिए। नहीं जलाल, ये जगह अब आपकी है, आप बैठिए। तशरीफ रखिए। तो बताइए बीरबल, हमें इस तरह अचानक बुलाने की वजह जान सकते हैं? जा बना, हम आप सबको हकीकत दिखाना चाहते थे। आइए जिज्ञास। यहां मौजूद हर एक इंसान को बताइए जिज्ञास कि आपने क्या क्या षड्यंत्र रचे, किसके कहने पर रचे और क्यों रचे। जापना, हम मिर्जा हकीम के कहने पर ही नासिर बने थे और उनके कहने पर ही हम यहां आए थे। मिर्जा हकीम की नजर मुगलिया तख्त पर थी, इसीलिए वो बादशाह अकबर को चौसर के खेल में हरा कर हिंदुस्तान के तख्त पर राज करना चाहते थे। उन्होंने एक गहरी साजिश रची जिसके तहत उन्होंने आपको चौसर के खेल के लिए उकसाया और उस चौसर के खेल के पासे हमने बदले और हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश की। उसके बाद जो हुए 10 इम्तिहान, उसमें भी जगह जगह हमने साजिशें रची ताकि आप बादशाह अकबर हार जाए। इस गहरी साजिश के हम तो सिर्फ एक मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो मिर्जा हकीम जी। ओए नासिर, उर्फ जिज्ञासी, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम अपने मर्जी से हमारी दरबार में आती, हम तुमको पनाह देती, हम तुमको नौकरी देती और तुम हमको ही धोखा देती। धोखा तो आपने दिया है अपने भाईजान को, अपनी अम्मी जान के साथ मिल मिलकर। जहाँ पना, काफी अरसे के बाद जिज्ञासी सच बोल रहा है। गुजारिश करते हैं कि हमें सच बोल देने दीजिए। सच तो ये है कि बड़ी बेगम साहिबा उर्फ चूचक रानी हमेशा से ही मिर्जा हकीम जी के पक्ष में थी और उन्हें जिताना चाहती थी और इसीलिए इतने बड़े षड्यंत्र को रचा। असल बात तो ये है कि हम तो सिर्फ कतली हैं है। असली दौर तो तुमके हाथ है। साहब, उस थाली में खाते हो उसी में खेद करते हो। यही बात हम आपके लिए भी कह सकते हैं रानी चूचक। खामोश खरगोश, अपनी अम्मी जान के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। जलाल, ये धोखेबाज है, देखिए हम पे ही उंगली उठा रहा है, आप इसकी एक भी बात मत सुनिएगा। ओई बिरादर अकबर, ये बिल्कुल फरेबी होती, हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करती। जाबरा, हमें लगता है कि हमें जिज्ञासी की बातों पर गौर करना। बस बहुत हुआ बीरबल, हमें अपनी अम्मी जान पर उतना भरोसा है जितना शायद सूरज को अपनी रोशनी पर भी ना हो, चांद को अपनी चांदनी पर भी ना हो। हमारी अम्मी जान हमारे लिए अपनी जान दे सकती है लेकिन धोखा नहीं दे सकती। जाबना, एक और बात है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। अभी आते।
आइए। अनारकली आप जिंदा हैं? जी हाँ आजाब, अनारकली जिंदा है। कभी उसका कत्ल हुआ ही नहीं था। हमने अनारकली के कत्ल का नाटक किया था ताकि हम जिज्ञासी के मुंह से सच उगलवा सके, क्योंकि अब आप सबको भी पता है कि अनारकली जिंदा है तो जिज्ञासी की बहन मयूरी पर कोई इल्जाम ही नहीं लगता। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसे कैद खाने से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अनारकली जिंदा है। हम मयूरी पे लगाए सारे इल्जाम वापस लेते हैं और उन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। शुक्रिया जाबना। जाबना, जिज्ञासी ने भी अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। माना कि इन्होंने कई सारे षड्यंत्र रचे, छल किया, कपट किया, लेकिन आप ही हमेशा कहते हैं ना जाबना कि पापी को नहीं, पाप को खत्म करना चाहिए। जिज्ञासी के अंदर का जो पापी था वो तो खत्म हो चुका है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जिज्ञासी को कम से कम सजा दी जाए। आप ठीक कह रहे हैं बीरबल, इसलिए हम नासिर को उर्फ जिज्ञासी को सजा के तौर पे सजाए मौत नहीं देते हुए देश निकाला देते हैं। आप जा सकते हैं जिज्ञासी। शुक्रिया जापना, हमसे जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना, इजाजत चाहते हैं। हर मुश्किल का हल बीरबल, हमारी वाली मुश्किल तो कर दी आपने हल, लेकिन आधी मुश्किल अब भी बाकी है। जिज्ञासी की बातों में ना सर हो ना पाओ, ये तो हो नहीं सकता। आपके हाथ का केसर का दूध हमें आज भी याद है। रुक जाइए जापना, आप ये दूध नहीं पियेंगे। अरे क्यों नहीं पियेंगे बीरबल, छोटी अम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, हम जरूर पियेंगे। जापना, इस दूध में जहर मिला हुआ है। मिर्जा भाईजान, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। भरे दरबार में हम आपकी तौहीन नहीं करना चाहते थे, सबके सामने आपको जलील नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन गुनेगार तो आप हैं। क्योंकि अभी जिंदा हैं हम, लेकिन आपने तो हमें जीते जी ही मार डाला मिर्जा नामुराद। आपको तो अपनी औलाद कहते हुए भी हमें शर्म आती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने की? जलाल, आप अपने भाई मिर्जा को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। हम भी वही सोच रहे हैं छोटी अम्मी, सजा के हकदार तो ये हैं। वैसे एक माँ को अपने बेटे को सजा पाते हुए देखने का मतलब खुद मौत को देखना होता है। फिर हम तो माफी की इंतजार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जिसके साथ किया है
वो भी हमें जान से प्यारे हमारे जलाल हैं। ये दिन देखने के लिए हम जिंदा ही क्यों हैं? हम तो मर जाना चाहते हैं बस, और नहीं जीना चाहते हम, और नहीं जीना चाहते। छोटी अम्मी अपने आप को संभालिए। अम्मी जान हम मिर्जा भाईजान को माफ करते हैं। बिरादर अकबर, शुक्र अल्लाह। इसलिए नहीं मिर्जा भाईजान कि आप मुआफी के काबिल हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको सजा देना छोटी अम्मी को सजा देने के बराबर है। और हम अपनी अम्मी जान को कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। हमारे जापना के साथ धोखा हो रहा है, और वो अपने प्यार के कारण ये देख नहीं पा रहे। पर मित्र बीरबल, कुछ तो कीजिए और इस अंधेरे को हटाइए। जापना के दिमाग में सच्चाई का दिया जलाइए। कैसे कैसे मित्र तानसेन, कैसे? जापना की आंखों पर इस वक्त पर्दा पड़ा हुआ है, और इस पर्दे को हटाना नामुमकिन है। वो चूचक बेगम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। बीरबल जी, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। कोई तो रास्ता निकालना ही होगा, लेकिन जब तक चूचक बेगम और बादशाह मिर्जा हमारे महल में है, हम सबको सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारी जापना की जान को खतरा है। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, आपने हमें चूचक पर बेगम नजर रखने के लिए कहा था ना? हमने आपको चूचक बेगम पर नजर रखने के लिए कहा था। हाँ वही, और आप ही का तो आदेश था कि आप तक एक छोटी से छोटी बात पहुंचाई जाए। बात क्या है? बात ये है राजा बीरबल की, हमने देखा कि चूचक बेगम ने बावर्ची खाने के बावर्ची से दूध मंगवाया और उस दूध में एक पूरी शीशी खाली कर दी। क्या? और उस दूध में एक पूरी शीशी खाली। सुनाई देता है। हम जाइए शाह हकीम को ले। जी जी, और आप सब हमारे साथ चलिए। चलिए लीजिए जलाल। छोटी अम्मी, इंसान की जिंदगी से बचपन चला जाए, लेकिन बचपना कभी नहीं जाना चाहिए। आपके हाथ का केसर का दूध हमें आज भी याद है। रुक जाइए जापना, आप ये दूध नहीं पियेंगे। अरे क्यों नहीं पियेंगे बीरबल, छोटी अम्मी ने अपने हाथों से बनाया है, हम जरूर पियेंगे। जापना, इस दूध में जहर मिला हुआ है। जलाल, आप हमें दूध दीजिए, हम पी लेते हैं, ताकि सबका शक दूर हो जाए। नहीं, छोटी अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। बीरबल तो बस खामखा बौखला गए हैं। छोटी अम्मी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। इस दूध में अगर जहर भी होगा ना, तो भी हम इसे जरूर पिए। छपरा नहीं, छपरा रुक जाइए। लीजिए बीरबल, पी लिया हमने दूध और हमें कुछ नहीं हुआ। जब तक हमारी छोटी अम्मी का हाथ हमारे सर पर है, तब तक हमारा कोई बाल भी। हकीम जी, दवाई असर कर रही है बीरबल जी। अच्छा हुआ आपने हमें सही वक्त पर बुला लिया, अगर एक पल की भी देरी हो जाती ना, तो जहां बना तो निकल लेते। ये हम कहां हैं? हमें लगता है कि अब्बा हुजूर की आदत चली गई है। जरूर अब्बा हुजूर ने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, तभी तो उनकी इस जन्म की याददाश्त चली गई। खैर, अब हम मुगलिया सल्तनत का बोझ अपने फौलादी कंधों पर उठाने के लिए तैयार हैं। खामोश खरगोश। जापना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक। हम ठीक हैं बीरबल, हम ठीक हैं, और हमें सब कुछ याद भी। वो दिल दहलाने वाली पहेलियां
अनारकली का झूठ मूठ का मरना, नासिर का जिज्ञासी होना, पर वो केसर का दूध, केसर का दूध छोटी अम्मी। जलाल, हम नहीं जानते कि उस दूध में जहर किसने मिलाया था, लेकिन वो दूध हमने आपको दिया था और इसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए। नहीं नहीं छोटी अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम दावे के साथ कह सकते हैं जलाल कि इस महल में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कि कौन सी माँ अपने बेटे को जानबूझकर जहर वाला दूध देगी? इसलिए हम आने वाली चीजों के लिए दोषी ठहराए नहीं जाना चाहते, इसलिए हम खुद को सजाए मौत देते। छोटी अम्मी क्या कह रही हैं आप? अरे अगर एक माँ अपने बच्चे को कुछ दे सकती है तो वो सिर्फ प्यार है। आप अपने आप को ये मौत की सजा नहीं दे सकती। लेकिन जापना, रुक जाइए भी, आप बस ये पता लगाइए कि वो कौन है जो हमारी छोटी अम्मी के खिलाफ घिनौनी साजिश कर रहा है। इंसान के बारे में पता लगाइए और उसे हमारे सामने पेश कीजिए, बस। ये हमारा हुक्म। जो आज्ञा। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जान बची। जलाल, आपकी जान बची। कल हम दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होंगे, क्योंकि कल आपकी ताजपोशी होगी और वो ताज हम खुद आपको पहनाएंगे। कुछ होने वाला है इस महल में, दोबारा कुछ होने वाला है। इस बार तो जापना की जान बच गई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोबारा कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है बीरबल जी? मित्र बीरबल, जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, इसीलिए जो होने वाला है उसे हो जाने दीजिए। तारारम पम, किस बात का है गम? बीत चुकी है काली रात, क्योंकि हमारे जहांपना फिर से बनने वाले हैं सम्राट। नहीं 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 मित्र तानसेन, काली रात अभी बीती नहीं है, क्योंकि जब तक चूचक बेगम इस महल में है, जहांपना के सर पर तलवार लटक रही है। खतरा है मित्र तानसेन, जहांपना को हम समझा नहीं सकते और चूचक बेगम क्या करेगी ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करेगी? इतनी बड़ी शिकस्त तो खा चुकी है। वो जख्मी शेरनी है और जख्मी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है, और इस जख्मी शेरनी के पास लोमड़ी का दिमाग भी है। तो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी, और अब तो जापना का अंधविश्वास भी उसके साथ है। वो इस बात का फायदा जरूर उठाएगी। ढूंढ रहे हो अंधेरे में और तलाश रहे हो रोशनी मित्र बीरबल। मित्र तानसेन, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, किसने कहा कि हम दीप नहीं जला सकते? हमारा पूरा जीवन जापन अकबर को समर्पित है, क्योंकि जापन अकबर है तो बीरबल है। हम जापन अकबर को कुछ नहीं होने देंगे, ये बीरबल का वादा है अपने आप। हमें अपनी अम्मी जान पर पूरा भरोसा है बलदेव, वो हमारी दुश्मन नहीं हो सकती। बहुत इम्तिहान हो चुके, अब कल नतीजा निकलेगा। वही तुम ऐसा क्या करती अम्मी जान? ये तो सबको कल ही पता चले। हमें अपनी अम्मी जान पर पूरा भरोसा है बलदेव, वो हमारी दुश्मन नहीं हो सकती। अकबर का भरोसा हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है मिर्जा। हिंदुस्तान के बादशाह तो तुम ही बनोगे। लेकिन ये कैसे होती अम्मी जान? क्योंकि कल का दिन अकबर की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमारे ऊपर भरोसा रखो मिर्जा, बहुत इम्तिहान हो चुके, अब कल नतीजा निकलेगा। वही तुम ऐसा क्या करती अम्मी जान? ये तो सबको कल ही पता चले। सिपाहियों,
आज मुगलिया इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। जापना की ताजपोश आज आप सब सतर्क रहेंगे, जापना के इर्द गिर्द रहेंगे और हर इंसान पर कड़ी नजर रखेंगे। जय। तुम्हारा काम हो गया है सोनार, अब फौरन यहां से निकल जाओ। जो आज्ञा बेगम चूचक। हिंदुस्तान की बड़ी बेगम साहिबा, क्योंकि अभी जिंदा है। रुकिए। प्रणाम राजा बीरबल। कौन है आप? आपको पहले इस महल में कभी देखा नहीं। मैं काबुल का सोनार हूँ। बादशाह सलामत के लिए जो ताज बनवाया गया है वो हमने ही बनाया है। अभी भी बेगम साहब को देकर आ रहे हैं। अभी अभी? हाँ। तो फिर तो आपको जापान की ताजपोशी देख कर जाना चाहिए। हाँ? रुकता जरूर रुकता, मैं भी उत्सुक हूँ, पर घर पे जरूरी काम आ गया है। जापना की ताजपोशी देखने से ज्यादा जरूरी काम। हाँ बिल्कुल, आज्ञा चाहूंगा राजा जी। ये इतनी जल्दी में क्यों थे, हड़बड़ी में क्यों थे? अभी अभी ताज देकर आए, पर बेगम साहिबा ने तो हमें पहले ही दो ताज। अगर ये ताज यहां है तो फिर जौहरी बेगम साहिबा को कौन सा? सिपाही आए, जल्दी आई। काबुल से हमारे महल में जौहरी आया था, इससे पहले कि वो रियासत छोड़ के चले जाए उसे पकड़कर हमारे सामने लाए। जाइए। राजा बीरबल, हमें इस तरह से पकड़कर क्यों लाया गया है? देखिए क्या है कि यहाँ हमारे जापना के रानी साहिबा के कुछ पुराने आभूषण जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, और इनकी मरम्मत करने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है, तो हमने सोचा कि आपसे इनकी मरम्मत करवाई जाए। तो चलिए इनकी मरम्मत शुरू कीजिए सुनार जी। चलिए चलिए जी बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं सुनार जी? कह रहा हूं भाग लीजिए। कहां कहां सुनार जी, कहां भाग रहे हैं? अब तो ये आप भी जानते हैं कि हम जान चुके हैं कि आप सुनार नहीं है, तो बताइए कि कौन है आप, बताइए। बताते हैं, दरअसल हमारा नाम सुनार है, हम काबुल के जौहरी नहीं हैं, हम तो एक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक जी। सिपाही तो वैज्ञानिक जी, अब बताइए कि आप मुगल महल में सुनार बनकर क्यों आए, किसके कहने पर आए और क्या करने के लिए आए? हमें बेगम चूचक ने यहाँ बुलवाया था, हमें एक ताज दिखाकर कहा गया कि हूबहू इसी तरह का दूसरा ताज बनवाइए। और क्या? वो कोई मामूली ताज नहीं है, मौत का ताज है, मौत का। मौत का ताज? कैसे? हमने
उसमें खास रसायन स्थापित किया है जो गर्म होते ही या आग के नजदीक जाते ही सक्रिय हो जाएगा और भयंकर विस्फोट होकर उसके पहनने वाले की तात्कालीन मृत्यु हो जाएगी। मौत का ताज, भयानक विस्फोट और ताज पहनने वाले की मौत। चापना, सिपाही इन्हें कैद खाने में डाल दीजिए और हमारे अगले आदेश तक वहीं रखिए। ताज को आग की गर्मी कैसे मिलेगी? जहां पना की ताज पोशी ताज पोशी के दौरान हारती की ताली में दिए में आग और आग की गर्मी। जापना! इतना नजदीक से ये नजारा देखना खतरनाक हो सकता है, पीछे चलो। रानी साहिबा खास तौर से आपकी पूजा के लिए माता जी के मंदिर गई हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उनकी अनुपस्थिति में अनारकली जी आरती उतारना चाहेंगे ताकि आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। इजाजत है। नजदीक से ये नजारा देखना खतरनाक हो सकता है, पीछे चलो। जापना, हट जाइए, हट जाइए आप तो, हट जाइए। बीरबल, बीरबल, ये क्या हिमाकत है बीरबल? क्या था बीरबल? हमसे नहीं, अपनी अम्मी जान से पूछिए जापना। मेहरबानी करके अपनी आंखों से मां की ममता का पर्दा हटा दीजिए और देखिए इनके असली चेहरे को। जापना चूचक बेगम काबुल से यहां सिर्फ एक मकसद से आई थी कि आपको हिंदुस्तान के तख्त से हटाए और अपने बेटे हाकिम मिर्जा को हिंदुस्तान का बादशाह बनाए। सारा षड्यंत्र इन्होंने ही खेला जापना। इन्होंने 10 इम्तिहान का मुकाबला रखा पर हर मुकाबले में अपने बेटे की चुप कर मदद करते रहे। जी हाँ, जब नहीं चाहती थी कि आप हिंदुस्तान के बादशाह रहे, यहां तक कि ये भी नहीं चाहती थी कि आप जिंदा रहे। चूचक बेगम ही थी जिन्होंने आपके दूध में जहर मिलाकर आपको मारने की कोशिश की और आज चूचक बेगम ही थी जिन्होंने आपके ताज में विस्फोटक लगाया। अब तो मान जाइए हमारी बात, पूछिए। अम्मी जान, ये बीरबल क्या कहते जा रहे हैं? अपना ये तो अब भी कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इस सब में इनका कोई हाथ नहीं है ना सुचक बेगम, यही कहेंगे ना? आज आप ऐसा कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो सुनार
वैज्ञानिक जो सुनार बनकर हमारे महल में आया था, जिसे आपने काबुल से यहाँ बुलवाया था ये विस्फोटक ताज बनाने के लिए, वो हमारी कैद खाने में मिलना चाहेंगे उसे। ले आइए उसे। ये है काबुल के वैज्ञानिक। अब भी आप कहेंगे कि ये सारा आपका किया धरा नहीं था, क्या बना इस पूरे खेल में कई खिलाड़ी थे, लेकिन हर खिलाड़ी की भाग दौड़ सिर्फ एक इंसान के हाथ में थी, आपकी अम्मी जान चूचक बेगम। अम्मी जान आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी? एक बार हमसे कह देती तो, अरे ऐसे सैकड़ों ताज अपनी अम्मी जान के कदमों पर बिछा देते हम। आज आपने भरे दरबार में हमारी जान लेने की कोशिश नहीं की, आपने ममता का कत्ल किया है अम्मी जान, ममता का। संभालिए अपने। हम हिंदुस्तान के बादशाह होने के नाते हमारी जान लेने की साजिश के जुर्म में चूचक बेगम बादशाह मिर्जा को सजाए मौत सुना सकते हैं, लेकिन ऐसा करके हम एक औलाद और एक भाई होने का फर्ज भुला नहीं सकते, इसलिए हम चूचक बेगम और बादशाह मिर्जा को हिदायत देते हैं कि ये अपने मुल्क लौट जाए और हुक्म देते हैं कि आज के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने की जुर्रत ना करें। ले जाइए इन्हें हमारी आंखों के सामने से, ले जाइए। बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरबल, एक बार फिर आपने हमारी जान बचाई है। अपना हम सोच रहे थे कि अगर सही वक्त पे हम नहीं आते तो क्या होता, तो आपको हमारे साथ ऊपर चलना पड़ता बस। बीरबल, सच्चाई तो यही है, बीरबल के बिना अकबर अधूरा है, और जहां पर अकबर के बिना बीरबल अधूरा है। इसीलिए तो कहते हैं हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल।